ना वही चादर तुझे ओढ़नी है जिससे कि तेरा जीवन भी इज्जत से भर जाए, सम्मान से भर जाए। है जैन साधुओं की तरह कभी तुम एक बार नंगे घर से निकल के देखो, पता चल जाएगा चौथी मंजिल से जब खोपड़े पे पत्थर आएगा तब। हाँ एक बार कोशिश करके देखो, हाँ एक बार कोशिश करके तो देखो, सब पता चल जाएगा तुमको। क्यों क्यों क्या करेंगे, आज तो मुझे ये कथा पूरी करनी है, नहीं तो बड़ा दिल कर रहा है सुनाने के लिए। हाँ चलिए अब हमें कथा में जाना है भीमा शंकर के में। आज भीमा शंकर ने अधोगतेन शंकरम पुण्याभावेत अमृतम, ये भीम नाम का जो दैत्य है ये अधर्मी लाचार दुराचारी हो गया, इसीलिए इसके बल की कीर्ति नहीं बढ़ी। इसने अपने बल का दुसाहस किया, अपने बल से इसने सामर्थ्य से सबको तकलीफ दी, दर्द दिया, पीड़ा दी, विष्णु ब्रह्मा को भी तकलीफ दी। जिस ब्रह्मा ने इसे बल प्रदान किया था उस ब्रह्मा के घर में घुस के ब्रह्मा को डांटा और ब्रह्मा के साथ युद्ध किया। जो लोग नालायक होते हैं ना वो अपने माँ बाप को भी पीट लेते हैं धन के चक्कर में, ये भीमा ऐसा ही नालायक पुत्र था। ब्रह्मा जी से पहले तो वरदान प्राप्त कर लिया कि मैं मरूं ना, ब्रह्मा जी ने दे भी दिया, अब ब्रह्मा जी पर ही चढ़ बैठा। 7% पुत्र भी ऐसा ही करते ही अपने माता पिता के साथ में, 100 में से 60 बच्चे यही कर रहे हैं जो भीमा कर रहा है। कोई डंडे से मारता है, कोई वाणी से मारता है, पर मां बाप को मारते हैं। डंडे का घाव तो लोशन लगाकर ट्यूब लगाकर गोली खा के छूट जाता है, पर शब्दों का डंडा जो हृदय में चला जाता है उसका कोई इलाज नहीं कर सकता। इसलिए शब्दों से बहुत मारते माँ बाप को। भगवान करे सद्बुद्धि और सद्वाणी सभी बच्चों को आ जाए, हैं कोई भीम जैसी जिंदगी ना जिए। आज भीम ने सुतीक्ष्ण महाराज को आक्रमण करके पकड़ लिया। अगस्त मुनि के शिष्य जिन्होंने, अगस्त मुनि उन मुनि का नाम है जिन्होंने 14 वर्ष सीता राम और लक्ष्मण को अपनी कुटिया की बाजू में पर्ण कुटी बना करके 14 वर्ष के वनवास में सहायता की। अरे वो भी राम भक्त थे और उनका एक भक्त था सुतीक्ष्ण, वो भगवान राम की आराधना करता था। और एक ही भक्त ऐसा था सुतीक्ष्ण जिसने गुरु मंत्र लेते समय अपने गुरु को चैलेंज किया था, गुरुदेव आपने मुझे जो राम नाम दिया है इस राम नाम की मंत्र जाप करने से एक दिन मैं ही तुम्हारे घर राम रूपी भगवान को पकड़ के लाऊंगा, तो ही तुम्हारा सच्चा शिष्य कहलाऊंगा। है दीक्षा लेकर जो 100 रुपये तुम टेक देते हो ना दक्षिणा के, ये नकली दक्षिणा है। असली दक्षिणा कौन सी है, जो गुरु ने तुम्हें देवता दिया है मंत्र में उस देवता को प्रकट करके दिखाओ, तब तुम्हारा असली शिष्य बनना स्वीकार होगा। सुतीक्ष्ण ने चैलेंज किया था और आज वो चैलेंज पूरा भी कर दिया। सुतीक्ष्ण महाराज ही राम सीता लक्ष्मण को लेके आए और आकर के अगस्त मुनि से संबंध करवाया। अगस्त मुनि ने पंचवटी पर पर्णकुटी बनवाई और 14 साल उन्हें रहने की अनुमति और सेवा दी। आज तो सुतीक्ष्ण महाराज को भीमा ने बंधी बना लिया और बंधी बनाकर अपनी जेल में लाया और जेल में लाकर के अति त्रास अति दुख दे रहा है सुतीक्ष्ण महाराज को, भगत को। ऐ दया कृतम न दर्शनम पुण्य अमृतम यथाह, सदगुरु कहते हैं प्रभु आज एक भगवान का भगत जेल में बंद है, राजा की कैद में बंद है, बड़ी दुखी और बड़ा त्रास है। ब्रह्मा और विष्णु और समस्त देवता अब भीम के पास कुछ नहीं कर सकते, क्यों वो सब हारे हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश अब ये तीनों देव मिल जाएं तो कुछ हो जाए। उसी समय विष्णु भगवान श्री हरि नारायण ब्रह्मा जी को लेकर इंद्र आदि कुबेर आदि यमराज आदि देवताओं को लेकर कैलाश पर गए और शंकर भगवान से जाकर गोष्ठी की चर्चा की। हे प्रभु ऐसा ऐसा हुआ है, आपके बगैर ये मसला सुलझने वाला नहीं है। हाँ ये बड़ी बीमारी है,
मैं मार नहीं सकता उसे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मैं नहीं मारूं ऐसा आशीर्वाद दे दिया है, इसलिए मैं असमर्थ हूं प्रभु। और दूसरी बात, मेरा काम तो पालने का है, मैं तो कृष्ण हूं, मैं तो पालन करता हूं, नहीं मारता। हे शंकर, मृत्यु देने का काम तो तुम्हारा है, इसलिए उस नालायक को मृत्यु देकर सबको सुख प्रदान करो। शंकर भगवान ने कहा कि बिना कारण के किसी को मैं भी नहीं मारता। भाई मेरा क्या बिगाड़ा उसने, मैं क्यों मारू। शंकर ने भी हाथ बजा के पीछे हट गए। अब भगवान विष्णु कहते, भैया मारने वाला ही पीछे हट गया तो उस नालायक को कौन मारेगा। तो शंकर भगवान से कहा, महाराज ऐसी कोई योजना बताओ, कोई युक्ति बताओ जिससे कि वो मर सके। तो शंकर भगवान ने योजना बताई, देवताओं को तत्काल भेजिए धरती लोक पर, और देवताओं को तत्काल भेजकर उस जेल में जहां सुतीक्ष्ण नाम का भगत मौजूद है, उस सुतीक्ष्ण से जाकर संदेश भेजो। और संदेश कैसा, उस सुतीक्ष्ण से जाकर कहो कि तू जेल की चार दीवारी में बैठकर भगवान शिव जी के लिंग बनाना चालू कर दे। जब तू जेल में बैठकर पूजा पाठ और लिंग बनाएगा तो ये जो दुर्जन लोग रहते हैं ये सज्जनों की किसी भी चाल से घबराने लग जाते हैं। तो जब तू लिंग बना बना के गोल गोल से गोल गोल से गोल गोल से और कोने में इकट्ठे करने लग जाएगा, और उसी समय उसके सिपाही देखेंगे तुझको कि ये क्या कर रहा है गोल गोल बना बना के, फिर राजा को बताएंगे, फिर राजा दौड़ के आएगा, बराबर लाइन लग जाएगी। एक बार वो मेरा अपमान कर दे फिर मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। देवता भगवान शंकर के कहने से भीमा राक्षस की जेल में हाजिर हो गए और जाकर सुतीक्ष्ण महाराज से कहा, हे महाराज सुतीक्ष्ण, हम राम भक्त हैं, मैं इंद्र हूँ, मैं कुबेर हूँ, मैं विश्वकर्मा हूँ, हम आपसे मिलने आए हैं, हमें विष्णु भगवान ने भेजा है। आप ऐसा करिए, भगवान विष्णु की भक्ति छोड़कर अब आप जेल में शंकर की भक्ति शुरू कर दीजिए। क्यों क्यों, अंतगतेन शंकर, हर एक बूढ़े आदमी को शंकर का ध्यान करना चाहिए। जवानी में विष्णु का ध्यान करना चाहिए, जब बीबी बच्चे पैसा ये सब चाहिए तो भगवान विष्णु की सेवा करो। क्यों, वो पुत्र दाता है, वो लक्ष्मी दाता है, वो पालन करता है, वो रक्षा करता है, इसलिए विष्णु की भक्ति करें। और जब कल्याण करना हो, बुढ़ापा आ जाए, जब फूल चढ़ाने को हाथ ना उठे दुखे है, मंदिर जाने को पैर ना उठे दुखे, तो फिर हमें शंकर की भक्ति करनी चाहिए। तो कहा, भैया जेल में फूल पल्लव दूध दही नहीं है, इसलिए तुम शंकर का ध्यान करो, और लो ये मिट्टी लो, इस मिट्टी से तुम शिवलिंग बनाना चालू कर दो। सुतीक्ष्ण महाराज ने वही किया जो उन्हें आदेश मिला। सुतीक्ष्ण महाराज ओम नमः शिवाय बोलते और एक मिट्टी का पिंड बना के रख देते, ओम नमः शिवाय बोलते रख देते। सिपाहियों ने देखा कि कुछ मुंह से बोलता है और ऐसे बना के रख देता है, मुंह से बोलता है ऐसे बना के रख देता है। पहले लोग जो होते थे ना, वो हर चीज मंत्र से ही बनाते थे। पहले लोग हर चीज मंत्र से, हर चीज मंत्र से। तो उन सिपाहियों ने कहा, भाई ऐसे गोल गोल तो कहीं बम तो नहीं बना रहा हमको मारने के लिए। सिपाही घबरा गए और उन्होंने जाके सीधा राजा से सूचना दी, महाराज वो जो कैदी है ना, जो राम भक्त है, वो जाने कौन से मंत्र बोल रहा है और ऐसे गोल गोल बना के कोने में जमा कर रहा है। और वहां से भीमा दौड़ के आया, राक्षस, और दौड़ के आया, उसने ताला तोड़ दिया, दरवाजा फोड़ दिया और एकदम भीतर घुसा चला गया उसकी जेल के कमरे में। और जैसे अंदर घुसा चला तो पहले तो उसने सुतीक्ष्ण महाराज को हाथ पकड़ के फेंक दिया, तू क्या जाप कर रहा है यहाँ, क्या पूजा पाखंड कर रहा है। और उसके बाद कोने में जो शिवलिंग बना के रखे थे, भीमा ने उन शिवलिंगों में जोर से लात मार दी, ठोकर मार दी, ऐसा फेंका। और भगवान शंकर ने देखा कि उसने मेरे रूप को लात मारी है, उसी समय भगवान शंकर उसी शिवलिंग के मिट्टी स्वरूप से प्रकट हो गए और भीमा के ऊपर भगवान ने जोर से फुक्कार मारी और अग्नि जला दी भीमा के शरीर में, भीमा वही जल के राख हो गया। तो गतान दर्शन, इसीलिए किसी भी अच्छे आदमी से पैर लग जाए तो तत्काल सॉरी बोल लो। भीमा की लात लग गई है तो क्या हुआ बात, आप समझ लो, भीमा जल के भस्म हो गया।
अब तो सारे देवता इकट्ठे हुए। सुतीक्षण महाराज भगवान शंकर के चरणों में वंदन करते और कहते, प्रभु आपकी वजह से आज मुझे मृत्यु से पास आजादी मिल गई। हे प्रभु, मैं मुक्त हो गया संकट से, क्लेश से।